जितने भी ड्यू के लोग हैं ना तो वो इस जगह को जानते होंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ क्राउड बहुत अच्छा होता है। मतलब मेरे को इसलिए बता, ये तीन गुना ज्यादा दिमाग होता है, घुटने भारी होते हैं, घुटने भारी तीन गुना होता है। मम्मी पूछो कैसे, पूछो कैसे तीन गुना ज्यादा होता है, मैं बताऊँ कैसे, एक यहाँ और दो घुटनों में तीन गुना। नॉट ओनली डॉक्टर्स जो बहुत ज्यादा हाइजेनिक के सी फिर एस्ट्रिक 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 होते ना उनके लिए होते। एंड ये हमारी चारों बिल्लियां जग गई हैं। अब और ये देखो भाई साहब, अभी हम आए हुए थे कुछ काम से, ये देखो सत्य निकेतन में। तो जितने भी ड्यू के लोग हैं ना तो वो इस जगह को जानते होंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ क्राउड बहुत अच्छा होता है। मतलब मेरे को इसलिए बताया क्योंकि मैं सैयम वगैरह के साथ आता था। डोंट गेट मी रॉन्ग, इतनी मम्मी का भी फोन आया वहाँ से नदोगढ़ से, मम्मी कह रही यहाँ बहुत तेज बारिश है, तब को यहाँ स्टार्ट होगी। तो आज ना हम एक आउटिंग पे आए हुए थे और कल सुबह हम जा रहे हैं हिमाचल। ऑल ऑफ द सडन प्लान बन गया क्योंकि उसके बाद मम्मी पापा रहेंगे हमारे साथ 1 महीना। तो यार यहाँ से निकल गए, बहुत ज्यादा बारिश है, बहुत ज्यादा, दिल्ली डूब गई और हमारा हॉस्पिटल भी। उसमें क्या हुआ, पीछे हमने बालकनी में घास करा है ना, जैसे वहाँ पे क्या था, वो प्रॉपर्टी जिनकी भी थी, तो यहाँ से राइट लेना है, तो वो प्रॉपर्टी जिनकी भी थी वो बहुत साल से बंद थी। अब जब हमने उसको लिया तो उसके बाद बहुत सारी उसमें पाइप ऐसी है जो ब्लॉक है। बारिश हुई एकदम से, इतने टाइम से किसी ने चेक तो किया नहीं और वो सारा पानी बैक मार के और चारों फ्लोर में पानी हो गया। वो आज टेस्टिंग होगी बाथरूम की, कल मम्मी ने कर दी थी, अब फ्लोर की आज भगवान ने कर दी, कुदरत ने। ओपनिंग से बारिश हो रही, बारिश ही बारिश चल रही है। चलो यार बस अभी हमें लगेगा 1.5 घंटा, 1 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है यहाँ से 31 किलोमीटर। पता क्या हुआ, मैंने अरुण को बोला, वहां से 10 मीटर पीछे थे, मैंने कहा कि अरुण यहाँ से टर्न ले लो, पीछे दिखा रहा नहीं पास है यहाँ से रास्ता है, 5 किलोमीटर की परिक्रमा कराके वही लाए। तीन बार गिनवा पहले भी हुआ ना, एक बात तो है, औरतों के पास ना कमी मौके आते हैं आदमियों की गलती निकालने के, पर जब आते हैं ना तो उसको 4-5 बार गिनवा देती है। तो हुआ है ना ऐसा। ओह माय गॉड, दिस इज सो रिडिकुलस। ये तीन गुना ज्यादा दिमाग होता, घुटने भारी होते हैं, घुटने भारी तीन गुना होता है। मम्मी पूछो कैसे, पूछो कैसे तीन गुना ज्यादा होता है, मैं बताऊँ कैसे, एक यहाँ और दो घुटनों में तीन गुना। यहाँ से सोचता भी नहीं वहाँ से, तो और जहाँ पे एक मर्द की सोच खत्म होती है औरत की शुरू होती है। हाँ, मर्द सोचना ही बंद कर देता औरत के आगे, सरेंडर कर दो, सरेंडर। तीन गुना क्यों नहीं सोचता, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्या फायदा सोच के, चल नहीं रहे नहीं। चलाने लायक कुदरत ने तुम्हें बनाया थोड़ी कि तुम्हारी चले, एक औरत को बना के भेजा। पॉइंट बहुत तगड़े लगे हैं, तुम मानो चाहे मत मानो, कुदरत ने उस लायक तुम्हें बनाया नहीं कि तुम्हारी चले। जब अरे रुक जा यार, मैं शूट करूंगा, कौन कहता है ऑफ रोडिंग सिर्फ और सिर्फ थार में होती है। ये नजफगढ़ की पावन धरती, कौन कहता है ऑफ रोडिंग सिर्फ और सिर्फ थार में होती है, बलिनो में भी कर सकते हैं, बस ड्राइवर हैवी होना चाहिए। फिर गाड़ी मुझे दे दो। और ये नजफगढ़ की पावन धरती डूबती हुई एज यूजुअल, मतलब सोचो कि 1 घंटे की बारिश इसको डुबो देती है, ये और क्या होगा। नज्जू के बारे में, जाम में खड़े हैं बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से ना मतलब हिल नहीं सकते, और पीछे से एक बंदे ने टी लगा रखी है, तो मैं पास में कहता मैंने ऐसे लोगों के ना हॉर्न निकाले नीचे गाड़ी से, और उनको ना मुंह से पीप पीप करवानी चाहिए। मैंने तो इसके आगे कुछ और ही जवाब दिया, आप लोग समझ जाओ। हाँ, इंसान दो जगह से आवाज करता है, एक मुंह से और थक गया यार, बिल्कुल ऐसे जब से गाड़ी चला के आई है बहुत थक गई है, क्लच ब्रेक बोकत करके नेविगेशन चला चला के मेरा दिमाग हो गया, तीन बार गलत बताया था। और जहाँ सही बताया वहाँ आपने सुना नहीं। मैंने आपको पहले कहा था ना, एक बार गलती हो गई, पता है एक बार कब तक गलती को दोहराती है एक पति की, बताऊँ कब तक, बताओ बताओ, मैं बताऊँ जब तक वो दोबारा ना कर दे। क्यों किस बात का जाम लग गया। बाय बाय मैं, बाय, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं, मैं रिद्धि बुलबुल चुलबुल सब सब जा रहे हैं, मम्मी को अकेले छोड़ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हिमाचल
ये हमारी एक राजकुमारी इसके अंदर है, एक इसके अंदर अभी थोड़ी सी रोशनी कम है, धीरे धीरे दिखाई देंगे। आगे पापा बैठे हैं, पापा एक बार हेलो कर दो, हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग। तो ये रे मम्मी और हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे, ये और ये इनकी आज पहली ट्रेन जर्नी है। और ये देखो इनकी आंखें ना रात को जैसे जैसे फ्लैश पड़ता है ना, देखना कैसे चमकती है। और वो ना उसको ना मतलब आदत है स्टार्टिंग से ही, जैसे ना शीशे के बाहर देखना बैठ के, तो वो ना आराम से अभी तो अपनी जगह बना रही है, फिर उसके बाद आराम से बैठ के ऐसे शीशे के बाहर देखेगी। एंड मम्मी इज़ लविंग इट। ये थोड़ा सा सुस्त हो रखी है अभी। एंड ये साईं बाबा जी का मंदिर, और साईं बाबा जी के मंदिर के बाद ये गली, और इसके बाद ये एक, फिर दो, और फिर तीन, और ये हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। बाय बाय बेटा, सोगा सोगो, ये छोरो सोगो के। पासना ने कहा कि ये रिद्धि का ना बैग थोड़ा टांग लो, ये अकेले परेशान नहीं होने, थोड़ी मेहनत मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल ही नाजुक हो जाएगी। तो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। मैं ना इनको बोल रहा हूँ मेरी लुक शूट करे पूरी, ठीक है ना, करनी थी सुबह सुबह आ गई, करी मोमोज खाऊंगी, इतना धमकाया तब जाके भी रो के फिर हटी है। फिर मैंने कहा कोई नहीं रोल ले लेते हैं, आलू रोल। एक्चुअली यार मम्मी पापा को थोड़ी भूख सी लगी थी, तो मैंने कहा मैं यार हेल्दी तो कुछ मिलेगा नहीं, तो थोड़ा ऐसे नॉर्मल सा ले आते हैं। इनको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, मैंने कहा लुक वुक शूट कर दो, कह रही कुछ नया तो होता नहीं है, ठीक है। अब यार यही है ना कि यार एक इंसान अच्छा है ना तो उससे यार दुनिया तो चलेगी, ठीक है। हमारा काम क्या है, आगे बढ़ते रहना, ये नहीं बरा मतलब सीख के हाँ कि ठीक है अरुण आप कुछ सिखाओ मेरे को, मैं आपसे कुछ सीखती हूँ, मुझे भी आप जैसा बनना है, ये सब नहीं है क्वालिटी। हाँ बस आप लोग बताना किसको किससे सीखने की जरूरत है, प्लीज वोटिंग हो जाए। मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, प्लीज आप इनके फेवर में डाल देना, मैं नहीं चाहता बाद में रोए बैठ के अरुण अरुण तुमने मेरे को नेगेटिव दिखाया, लोगों ने गलत बोला। एक डॉक्टर से ना शादी हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। अभी मैंने इनको बोला, मैंने कहा जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, आगे से पता क्या रिप्लाई आया, नहीं नहीं सिर्फ इन्फेक्शन ही पड़ता है, देख लो यार। मतलब कैसे, मेरे को सच में ये नहीं समझ आता, एक बाउल है, एक चम्मच से वही बंदा पी रहा है, फिर अपने मुंह से निकाल के दूसरे, मतलब इतनी अनहाइजीन, पता नहीं कैसे चीजें हो जाती हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड डॉक्टर्स आर नॉट रियली गुड इन जनरल, था ये नॉट ओनली डॉक्टर्स जो बहुत ज्यादा हाइजीनिक के सी, फिर एस्ट्रिक 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 होते ना उनके लिए होता है। ये मेरे को आज मार देगी पता है, मैं ना यार इनकी ना बेइज्जती में मम्मी पापा बैठे हैं उनके सामने ही कर देता हूँ। मेरे को कई बार लगता है मम्मी कहने वाली है, मैं साल है मेरे सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहा तुझे। अभी पता सुबह के ना कितने 5:30 बज रहे, अभी यार ये एक्टिव रहती नहीं, इनकी बैटरी डिस्चार्ज है। क्या हो गया लाडो? अरे हमने फ्रेशली बेक्ड रोटी और उसके बीच में आलू फिक्स करवा के ले लिया है। एंड ये आ गई हमारी ट्रेन। ये रिद्धि, रिद्धि हमारी ट्रेन आ गई। भैया इनकी टिकट करवाई? हाँ बेटा इनकी तो स्पेशल टिकट हुई है। देखो अभी क्या था कि ना बिल्ली ना इनकी नाक को देखो चाट रही है कैसे, देखो देखो। और यही जूठा खाना इनको पसंद नहीं है, हैं जब इनका हाइजीन आ जाता है हैं, हर बिल्ली चाटे। सच में ये नहीं समझ आता, एक बाउल है, एक चम्मच से वही बंदा पी रहा है, फिर अपने मुंह से निकाल के दूसरे, मतलब इतनी अनहाइजीन, पता नहीं कैसी चीजें हो जाती है। दैट्स व्हाई वारे तेरा हाइजीन, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब इन्हें अच्छा लग रहा है, इन्हें अब इन्हें इरिटेशन नहीं हो रही, इन्हें यक वाली फीलिंग नहीं आ रही, अब मजा आ रहा है। वो बेचारी बोल नहीं सकती ना, उसके लिए यही ऑप्शन अच्छा है प्यार जताने का। अच्छा इधर ही ऐसे सो रही हैं, इधर ही ऐसे, इधर ये नीचे ये, एंड ये हमारी चारों बिल्लियां जग गई हैं अब। नहीं इसमें एक आधा तो कुत्ता लग रहा है मेरे को। तो ये भी आराम से, ठीक है, मतलब ये ना बहुत एंजॉय कर रही हैं। हाँ तेरे को नहीं कहा बेटा, टेंशन मत ले,
तो नागिन वागिन है तो ये देखो। और पता है क्या करती है ये रिद्धि? ओ मेरा नोनू, मेरा बच्चा, मेरा पुच्छू, खुद कुछ देखा है तूने? क्या हो गया, क्या हो गया बताओ इस इंसान को? ना यहाँ बैठ के मेरी याद आ रही है। हद। तो यार चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे। ठीक है, मैंने भी नींद पूरी कर ली, रिद्धि ने भी कर ली, माम ने भी कर ली, पुच्छू ने भी कर ली, अरुण ने भी। और धीरे बोलो ताकि किसी को न सुनाई दे। मेरा गला बैठ गया। मैंने कहा हमारी नींद पूरी होगी और अब हम पहुंच गए हिमाचल। अब 4 दिन मैं यहाँ हूँ रेस्ट मोड पे। और मैं खेलने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम वेट कर रहे हैं शैंकी का एंड उसके बाद सीधा घर। तो ये आपको जैसे मूवीज वगैरह में देखते थे, ऐसे नहीं स्विट्जरलैंड वगैरह हो ऐसा सीन नहीं लग रहा यार? ऐसे ये स्विट्जरलैंड नहीं, ये भारत है हमारा। ठीक है, भारत का हिमाचल प्रदेश, मेरा ससुराल। और ये इस टाइम पे हम लोग ले रहे हैं शाम के 6 बजे की अस्त होते हुए। ऐसे ऐसे टफन से लगवा रखे और पीछे से भी पूरी सिरेनिक ब्यूटी होती है, तो यहाँ से मजा आता है। मेरे को तो 2-2 सिरेनिक ब्यूटी दिख रही है। अच्छा, एक ये सामने और एक पीछे धर्मशाला। वो सामने चिंतपूर्णी है। तो यार अभी शाम के 6 बज रहे हैं। हम अस्त... गोल गप्पे खाने जा रहे। यार मैं नहीं जा रहा है, मैं हेल्थ को लेके बहुत वो हूँ यार, समझा करो। क्योंकि ना फिर वही है यार, क्या फायदा तबीयत खराब करने का। यार ये सब चीजें ना कभी कभार अच्छी लगती है, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, ये थोड़ी कि यार बंदा रोज रोज ही खाए। चलो मैं आपको छोड़ने चल लेता हूँ वहां तक। अरे नहीं मतलब अकेले यार हाईवे की बात है, मैं चल लेता हूँ साथ। क्योंकि यार ध्यान रखना पड़ता है ना, पहली और आखिरी है।